हेलो एवरीवन, टिकलेज एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हमें स्टडी करना है आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ हेक्सागोनल प्रिज्म। वैसे इसके पहले हमने ऑलरेडी आइसोमेट्रिक के नंबर ऑफ वीडियो स्टडी किए थे, जिसमें हमने आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ पेंटागोनल प्रिज्म, पेंटागोनल पिरामिड, हेक्सागोनल पिरामिड, कोन, सिलेंडर, आइसोमेट्रिक स्केल, ये सभी हमने वीडियोज इसके पहले अपलोड किए थे। अगर आपने इसके पहले के वो सभी वीडियोज अगर नहीं देखे हैं तो आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो सभी वीडियोज का लिंक दिया है, आप वो सभी वीडियोज वहां से डायरेक्टली देख सकते हैं। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हमें आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ हेक्सागोनल प्रिज्म ड्रॉ करना है। तो जो हमें हेक्सागोनल प्रिज्म ड्रॉ करना है उसका हेक्सागोनल बेस हम ले लेंगे 30 mm साइड का, और उसका हाइट ले लेंगे, इट मींस उसका एक्सिस ले लेंगे 65 mm का। तो आइए ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक हेक्सागोन ड्रॉ करना पड़ेगा। हेक्सागोन को एक बॉक्स में फिट करना पड़ेगा और फिर उसका यूज करके हम आइसोमेट्रिक व्यू बनाएंगे। तो आइए ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। तो हेक्सागोन ड्रॉ करने के लिए हम सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे और सर्कल का रेडियस हम ले लेंगे 30 mm, क्योंकि हेक्सागोन हमें जो ड्रॉ करना है वो 30 mm साइड का ड्रॉ करना है, इसलिए सर्कल का रेडियस भी हम लेंगे, दैट इज 30 mm। तो फाइनली हमने सर्कल ड्रॉ कर लिया है और अब ये सर्कल के सेंटर से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेंगे ताकि हमें हेक्सागोन ड्रॉ करने में आसानी हो। तो ये देखिए, सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लिए और अब हम कंपास लेंगे। कंपास में सर्कल का रेडियस जो है वो हम ले लेंगे, कंपास का जो सेंटर है वो यहाँ इधर रखेंगे और ऊपर कट करेंगे और नीचे भी कट करेंगे। उसी तरह से कंपास का सेंटर यहाँ रखेंगे और ऊपर कट करेंगे और इधर नीचे भी कट करेंगे और सभी पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे ताकि हमें हेक्सागोन मिले। तो ये सभी को ज्वाइन कर लेंगे तो हमें हेक्सागोन मिल जाएगा। तो हमें हेक्सागोन मिल चुका है और अब ये हेक्सागोन को एक बॉक्स में फिट करो। तो बॉक्स में फिट करने के लिए उसके चारों साइड से हम हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करेंगे, तो ये एक बॉक्स में आ जाएगा। तो ये देखिए, तो फाइनली हमने हेक्सागोनल बेस ड्रॉ कर लिया है। तो ये जो व्यू है इसको कहते हैं ऑर्थोग्राफिक व्यू, और अब ये ऑर्थोग्राफिक व्यू का यूज करके हम इसका आइसोमेट्रिक व्यू बनाएंगे। तो आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ करने के लिए आपको सबसे पहले आइसोमेट्रिक एक्सिस ड्रॉ करना पड़ेगा। आइसोमेट्रिक एक्सिस में तीन एक्सिस आती है, जिसमें एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस 30 डिग्री से इंक्लाइन होती है और वाई एक्सिस हमेशा परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड होती है। तो आइए आइसोमेट्रिक एक्सिस ड्रॉ करेंगे। तो आइसोमेट्रिक एक्सिस ड्रॉ करने के लिए हम सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ कहीं पे भी एक प्रोटेक्टर रख के हम तीन एंगल लेंगे, दो 30 डिग्री के और एक 90 डिग्री का। तो इधर 30 डिग्री का, इधर 90 डिग्री का और इधर भी 30 डिग्री का। और अब इधर लेफ्ट साइड में बनाएंगे हम जेड एक्सिस जो कि 30 डिग्री से इंक्लाइन है, इधर बनाएंगे वाई एक्सिस जो परपेंडिकुलर रहेंगी, और इधर बनाएंगे एक्स एक्सिस, और इधर बनाएंगे एक्स एक्सिस, ये भी 30 डिग्री से इंक्लाइन रहेंगी। तो ये हमने बनाया एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। तो फाइनली ये आइसोमेट्रिक एक्सिस ड्रॉ हो चुके हैं और अब ये आइसोमेट्रिक एक्सिस में हमें इसका आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ करना है, हेक्सागोनल प्रिज्म ड्रॉ करना है। और हेक्सागोनल प्रिज्म में दो हेक्सागोन होते हैं, एक हेक्सागोन नीचे होता है बेस में और एक हेक्सागोन ऊपर होता है। और ये ड्रॉ करने के लिए हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो हेक्सागोन के ये जो बाहर का ये जो बॉक्स है ABCD, सबसे पहले ये बॉक्स ABCD का हम यहाँ पे आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ करेंगे। इट मीन्स सबसे पहले यहाँ पे एक ABCD बॉक्स बनाएंगे, देन वही ABCD बॉक्स हम हेक्सागोनल प्रिज्म जो कि हाइट दिया है 65 mm, वो हाइट पे भी हम यहां पे ABCD बॉक्स बनाएंगे, देन वो दोनों ABCD बॉक्स में हम हेक्सागोन मार्क करेंगे। तो ऐसे में आपको फिलहाल यहां पे XZ प्लेन में ड्रॉ करना है, Y एक्सिस की जरूरत नहीं है। तो ये हम यहां से Y एक्सिस मिटा देते हैं क्योंकि हमें हेक्सागोनल बेस जो है वो यहां पे XZ प्लेन में ड्रॉ करना है, क्योंकि हेक्सागोनल प्रिज्म रेस्टिंग ऑन इट्स बेस है। तो अगर कोई भी सॉलिड रेस्टिंग ऑन इट्स बेस होता है तो उसका बेस हमेशा XZ प्लेन में बनता है। ऐसे में आपको Y एक्सिस की जरूरत नहीं होती है, इसलिए हमने Y एक्सिस निकाल दिए। तो आइए अब ये XZ प्लेन में हम ये बॉक्स ABCD ड्रॉ करेंगे। तो अगर आपको ये बॉक्स वहां ड्रॉ करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये बॉक्स का लेफ्ट साइड का बॉटम कॉर्नर, ये बॉक्स का लेफ्ट साइड का बॉटम कॉर्नर A जो है वो यहाँ ग्राउंड में रखना पड़ेगा, क्योंकि हमने इसके पहले के हर वीडियोस में बताए थे कि जब भी आपको ऑर्थोग्राफिक व्यू से आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ करना है XZ प्लेन में तो आपको लेफ्ट साइड का बॉटम कॉर्नर ही ग्राउंड में रखना है, इसलिए हमने A ग्राउंड में रखे। अब A के राइट साइड में B आएगा, A के लेफ्ट साइड में इधर D आएगा और यहाँ कहीं ना कहीं C आएगा। तो आइए ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हमने AB का लेंथ कंपास में ले लिए, देखिए, और कंपास का सेंटर A पे रख के इधर हम कट करेंगे तो हमें मिल जाएगा B। तो ये हमें मिल गया यहाँ पे B। अब हम कंपास में A से D का लेंथ लेंगे, देखिए A से D का लेंथ हम कंपास में लेंगे, कंपास का सेंटर A पे रख के हम इधर कट करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा D। और अब हमें यहाँ कहीं ना कहीं C चाहिए तो उसके लिए हम क्या करेंगे, DC का लेंथ कंपास में ले लेंगे। देखिए ये जो DC का लेंथ है, कंपास का सेंटर D पे रखो और यहाँ पे एक आर्क बनाओ और फिर B से C का लेंथ लेंगे, वही आर्क पे कट करना है। देखिए B से C का लेंथ हमने कंपास में ले लिए,
कंपास का सेंटर बी पे रखें और ये आर्क पे हमें कट करना है। तो यहां हमें मिल गया फाइनली सी, और अब ये सभी को ज्वाइन कर लेंगे तो हमें यहां बॉक्स मिल जाएगा। तो फाइनली हमें जो बॉक्स चाहिए था वो यहाँ पे बॉक्स मिल चुका है, एबीसीडी बॉक्स मिल चुका है। और अब यही बॉक्स एबीसीडी हमें 65 mm की हाइट पे भी ड्रॉ करना है, क्योंकि हेक्सागोनल प्रिज्म का जो हाइट है वो हमें 65 mm लेना है। तो क्या करो, ये चारों कॉर्नर से 65 mm ऊपर लो, डी से 65, सी से 65, बी से भी 65 और ए से भी 65 वाई एक्सिस के अलॉन्ग। तो ये हम सभी कॉर्नर से आप 65 mm ऊपर लेंगे। तो ये देखिए डी से 65, तो ऐसा करने से देखिए D के ऊपर हमें 65 पे D मिला, A के ऊपर 65 के ऊपर हमें A मिला, B से ऊपर 65 पे हमें B मिला और C के ऊपर हमें मिला C। और अब ये सभी को ज्वाइन कर लो ताकि हमें ऊपर भी बॉक्स ABCD मिल जाए। तो इस तरह से ये हमने ऐसे ड्रॉ कर लिया। देखिए नीचे हमने बॉक्स एबीसीडी ड्रॉ किए और 65 mm के हाइट पे हमने ऊपर भी बॉक्स एबीसीडी ड्रॉ कर लिए। और अब हमें दोनों बॉक्स में हेक्सागोन मार्क करना है। जो हेक्सागोन यहाँ पे एबीसीडी के अंदर में है, हेक्सागोन का नाम है पी क्यू आर एस टी यू, यही हेक्सागोन हमें यहाँ नीचे एबीसीडी में ड्रॉ करना है और ऊपर भी एबीसीडी में ड्रॉ करना है, और वो हमें कंपास का यूज करके मार्क करना है। तो ये देखिए ये ड्रॉ करना बहुत आसान है। ये जो साइड ए बी है, साइड ए बी में हेक्सागोन के दो पॉइंट है पी और क्यू, तो ए पी का लेंथ और बी क्यू का लेंथ सेम है। जितना ए पी है उतना ही बी क्यू है, और जितना ए पी है उतना ही डी टी है, जितना बी क्यू है उतना ही सी एस है। इट मीन्स ये ए पी, बी क्यू, सी एस और डी टी, ये सभी का लेंथ सेम है। तो आप सिर्फ एक का लेंथ यहाँ कंपास में ले लो। तो ये देखिए कंपास में ए पी का लेंथ हम कंपास में ले लेते हैं और सभी कॉर्नर पर रख के हम मार्क करेंगे। तो कंपास का सेंटर ए पे रखेंगे तो हमें मिल जाएगा पी, डी पे रखेंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे टी, देन हम बी पे रखेंगे तो यहाँ मिल जाएगा हमें क्यू, और यहाँ पे हम सी पे रखेंगे तो यहाँ हमें मिल जाएगा एक और पॉइंट। तो यहाँ पे हमें मिल गया पी, देन क्यू, देन ये एस और ये टी, इतने पॉइंट्स मिल गए। उसी तरह से ये पॉइंट्स ऊपर भी मार्क करो। तो फाइनली जो पॉइंट्स नीचे थे पी क्यू एस टी, वही पॉइंट्स हमने ऊपर के बॉक्स में भी मार्क किए। और अब हमें यहाँ पे यू और आर मार्क करना है, तो वो ए डी के ऊपर है, ए डी और ये बी सी के ऊपर है। तो जितना ए से यू है उतना ही बी से आर है। तो ये कंपास में आपको सिर्फ एक लेंथ लेना है। तो ए से यू का लेंथ हमने कंपास में ले लिए, ए से यू और बी से आर बिल्कुल सेम है। तो ये ए से यू का हम लेंथ कंपास में ले लेंगे, कंपास का सेंटर यहाँ ए पे रखेंगे और इधर कट करेंगे तो हमें मिल जाएगा यू, बी पे हम रखेंगे तो इधर मिल जाएगा आर। तो ये हमें मिल गया यू और यहाँ हमें मिल गया R। उसी तरह से आप यहाँ भी रख के आप मार्क करेंगे। तो ये हमें मिल गया U और यहाँ मिल गया R। तो ये देखिए सभी पॉइंट्स P Q R S T U और ऊपर भी P Q R S T U ये हमें मिल चुके हैं। हेक्सागोन के सभी पॉइंट्स मिल चुके हैं और अब हम दोनों हेक्सागोन को ड्रॉ करेंगे और ज्वाइन करेंगे। तो फाइनली अब हम हेक्सागोनल प्रिज्म बनाएंगे। तो हेक्सागोनल प्रिज्म बनाते समय हम सबसे पहले ऊपर का हेक्सागोन बनाएंगे, ऊपर का हेक्सागोन हम डार्क बनाएंगे, देन उसके एजेस बनाएंगे जो हमें दिखाई देंगे, और देन हम हेक्सागोन जो नीचे में है वो हम ड्रॉ करेंगे। हमेशा ध्यान में रखो, सॉलिड में हमेशा डार्क कंस्ट्रक्शन ऊपर से नीचे की तरफ करना है। इसके पहले भी हमने हर वीडियो में बताए थे कि कोई भी सॉलिड जो रेस्टिंग ऑन इट्स बेस है या कोई भी सॉलिड की प्रॉब्लम में, डार्क कंस्ट्रक्शन आप ऊपर से नीचे करेंगे, नीचे से ऊपर कभी नहीं करेंगे, आप ऊपर से नीचे करेंगे। तो हम सबसे पहले हेक्सागोन ऊपर बनाएंगे, देन उसके एजेस बनाएंगे, देन नीचे का हेक्सागोन बनाएंगे। और एक बात ध्यान रखेंगे, जो एजेस आपको दिखाई देंगे बस आपको वो ड्रॉ करना है, वो आपको डार्क लाइन से ड्रॉ करना है। जो एजेस नहीं दिखाई देंगे वो आपको फेंट ड्रॉ करना है या तो ड्रॉ ही नहीं करना, ये बात ध्यान में रखेंगे। एक और बात का ध्यान रखो कि यहां हमने बोर्ड पे ये जो कुछ भी बनाया है वो हमने रेड पेन से बनाया है। इट मींस आपको ये ड्राइंग बुक में ड्रॉ करते समय फेंट पेंसिल से ड्रॉ करना है, और अगर अब हम ब्लैक पेन का यूज करेंगे तो आपको ड्राइंग बुक में ड्रॉ करते समय डार्क पेंसिल से ड्रॉ करना है। तो ये बात आप जरूर ध्यान में रखिए। तो आइए ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ऊपर का हेक्सागोन ड्रॉ कर लेंगे और ये हम सीधा डार्क बनाएंगे। तो ये देखिए ये हमने ऊपर का हेक्सागोन ड्रॉ कर लिया है। अब कोई कहेगा कि सर नीचे का हेक्सागोन भी ड्रॉ करो, नहीं अभी नहीं, अभी हम सबसे पहले इसके जो वर्टिकल एजेस हैं वो बनाएंगे, और एजेस भी हम वही बनाएंगे जो दिखाई देंगी, जो एजेस नहीं दिखाई देंगी वो हम ड्रॉ नहीं करेंगे। इट मीन्स जो एजेस फ्रंट में हैं वो हम ड्रॉ करेंगे, जो एजेस बैक में हैं वो हम ड्रॉ नहीं करेंगे। तो ये हमें फ्रंट में ये पी पी, ये क्यू क्यू और ये यू यू, ऐसा हम ड्रॉ करेंगे। तो ये देखिए ये हम फ्रंट एजेस ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। तो जो आपको दिखाई देंगे बस आपको वो ड्रॉ करना है डार्कली। तो ये एक एज, देन ये एज भी आपको पूरा क्लियर कट दिखाई देगा, और इधर का यू का जो एज है वो भी आपको पूरा दिखाई देगा।
और ये जो इधर साइड में टी का एज है वो भी आपको दिखाई दे रहा है, तो ये हेक्सागन है तो ये बिल्कुल दिखाई देगा। देखिए ये एज भी हमने ड्रॉ कर लिए, और अब हम क्या करेंगे, नीचे का हेक्सागन ड्रॉ करेंगे। लेकिन नीचे का हेक्सागन पूरा ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, जो एजेस आपको दिखाई दे रही बस आपको उतना ड्रॉ करना है, और वो आपको बस फ्रंट एजेस ड्रॉ करना है, बैक एजेस ड्रॉ नहीं करना है। इट मीन्स टी से यू, यू से पी, पी से क्यू, बस आपको ये तीन एजेस ही ड्रॉ करना है। तो ये हम ड्रॉ करेंगे, देखिए ये हमने टी से यू बनाए और अब हम ये यू से पी बनाएंगे और लास्ट में ये P से Q बनाएंगे, तो ये हमारा हेक्सागन कंप्लीट हो जाएगा। तो फाइनली इस तरह से हमने हेक्सागोनल प्रिज्म यहां कंप्लीट कर लिए। देखिए ये जो हेक्सागोनल प्रिज्म है उसमें ऊपर का हेक्सागन हमने सबसे पहले डार्क बनाया, देन हमने वो एजेस बनाए जो हमें क्लियर कट दिखाई दे रही है, और जो नीचे का हेक्सागन है वो हमने पूरा ड्रॉ नहीं किए, जो हेक्सागन के एजेस फ्रंट में है जो हमें दिख रही है बस हमने वो ड्रॉ किए, जो नहीं दिख रहे वो ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से ये हेक्सागोनल प्रिज्म कंप्लीट हो गया, हेक्सागोनल प्रिज्म रेस्टिंग ऑन इट्स बेस। तो ये हेक्सागोनल प्रिज्म आप अपने ड्रॉइंग बुक में जरूर ड्रॉ करिए। वैसे इसके पहले हमने पेंटागोनल प्रिज्म, पेंटागोनल पिरामिड, हेक्सागोनल पिरामिड, कोन, सिलेंडर, आइसोमेट्रिक स्केल, आइसोमेट्रिक के नंबर ऑफ वीडियोस हमने इसके पहले अपलोड किए थे। अगर आपने इसके पहले के वो सभी वीडियोस अगर नहीं देखे हैं तो आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो सभी वीडियोस का लिंक दिया है, आप वो सभी वीडियोस वहां से डायरेक्टली देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको अगर आज का वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स जिनको इसकी जरूरत है आप उनके साथ इसको शेयर करिए, कुछ डाउट्स है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आपने अगर अभी भी अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करिए, ताकि इसी तरह के यूजफुल वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।